हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशप सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम लेसन से मीन्स लेसन जो सेवन है हमारा ओन शे ओ का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों को पता है पिछली बार हमने चैप्टर नंबर सिक्स किया था जिसके अंदर हमने आले वर्ब एंड क्या डिस्कस किया था कलर्स डिस्कस करे थे राइट आज की जो हमारी वीडियो होगी ना दैट इज़ ऑल अबाउट सी सॉर्ट ऑफ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर थोड़ा सा कैलेंडर को भी हम देखेंगे सो ऑल दिस इज देयर इन दिस चैप्टर अब आप लोग का हो गए कि आपने तो ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है डेज ऑफ द वीक के ऊपर येस अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो जो है अपलोड करी है मेरे चैनल पर आप उसको जाकर देखो मैंने वो शूट बहुत पहले से करके रख रखी थी आई जस्ट गॉट दैट वीडियो कि हाँ मैंने अभी तक उसको अपलोड नहीं किया है तो आज ही मैंने मे uh, बी कुछ अभी फिर बाद में मैंने उसको अपलोड कर दिया रिसेंटली अभी मेरे चैनल पर वो डली है तो आप लोग उसको जाकर देख लो एंड uh, उसमें मैंने डेज ऑफ द वीक को बहुत अच्छे से समझा रखा है इवन मैं यहाँ पर भी समझाने वाली हूँ दैट डजन मीन कि आई विल स्किप सीरीज़ नो no, जो बेशक मैंने टॉपिक आपको करवा रखे हैं जैसे कि आले वब का टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा रखा है राइट बट स्टिल मैंने पिछले वाले चैप्टर में उसको दोबारा रिपीट करवाया क्योंकि टॉपिक के साथ साथ चलना एंड उसको अलग जाकर देखना फ्लो में चलना और अलग जाकर देखना में बहुत डिफरेंस है सो आई वॉन्ट कि सारा का सारा कंबाइंड डेटा आपको यहीं पर इसी वीडियो में मिल जाए इसलिए मैं उसको दोबारा भी समझा देती हूँ जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो मेरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है वो मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन ही किया था जब हमने एथ्रव आर जो भी वो डिस्कस करी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे बट स्टिल मैं हर एक टॉपिक जिसमें भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं उनमें मैं समझाती जाती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट की सारी चीज़ें फ्लो से चलती रहें ठीक है सो द सेम वे आई आई एम गो ना एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टू यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस the skills right nasa the high level but nasa the low level per. whatever the skills the uh, things you can cover i'm gonna cover all the topics positively राइट आई एम नॉट गोन स्किप एनी ऑफ द टॉपिक एंड कई बार मैं स्किप कर भी देती हूँ सब जैसे कि मैं एक्सरसाइज को हमेशा स्किप कर देती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार उसको खुद ट्राई करके देखो एंड फिर आपको डाउट होता है आई ऑलवेज सी दैट यू आस्क इन द कमेंट्स बट अगर आप लोग पूछोगे नहीं सो हाउ वुड आई बी एबल टू नो कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है नहीं सो so आप मुझसे कमेंट्स में पूछो क्वेश्चन आई एम गोन आंसर दैम ऑल ठीक है सो कमिंग टू द टॉपिक इज सेल वीकेंड मीन्स इट इज़ द वीकेंड वीकेंड बेसिकली हमारा सैटरडे संडे को माना जाता है जो हमारा वीकेंड होता है सो दिस इज और इट इज द वीकेंड अब चैप्टर में बढ़ने से पहले लेट्स जस्ट रीड दिस कन्वर्जेशन नो दैट ऑन संडे All स्टोर्स आर क्लोज इन फ्रांस Now जो हमारी गर्ल है दैट इज सारा शी सेज टू Paul दैट आपको पता है Paul की संडे को फ्रांस के अंदर हर एक जो स्टोर है वो क्लोज रहते हैं नॉर्मली इंडिया में भी ऐसा होता है आप लोग जैसे कि अगर आपको शॉपिंग पर जाना होता है वैसे सिनेमा वगैरह तो खुले होते हैं बट कुछ शॉप्स जैसे कि बंद होती हैं सो so, वैसे ही फ्रांस का आपको एक कल्चर एंड सिविलाइजेशन पॉइंट दिया हुआ है कि फ्रांस में भी संडे के टाइम शॉप जो हैं वो क्लोज रहती हैं देन पोली सेज वेल वीकडेज आ टायरिंग सारा वन मस्ट रेस्ट इन अफ संडे नाव अब कहते हैं आप लोगों को क्या करना है स्टोर में जाकर संडे को संडे को ऑल द वीक डेज जो मंडे ट्यूजडे मेन्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे को मैं ऑलमोस्ट कंसिडर नहीं करूँगी सो so, ये सारे वीक डेज हैं हमारे तो ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है हमारे लिए बिकॉज देर आर देर आर अ लॉट ऑफ वर्कस टू डू ऑन वीक डेज ठीक है स्टूडेंट्स के अलग काम होता है द पर्सन गोइंग टू जॉब उनके भी अलग काम होते हैं सो दोज डेज़ आर रियली Tiring, so that is why Paul says that one must rest enough on Sundays. Let it be, let the shops be closed. We don't care, you must take enough rest on Sundays, okay. एंड ये नहीं कि आप लोग कुछ काम ना करो रेस्ट लो अच्छे से इंजॉय करो एंड इवन जो आपका होमवर्क है वो भी करो ठीक है अब हम आते हैं कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर वन वन वर्ड को मैं अच्छे से समझाऊँगी फिर भी कुछ समझ में नहीं आए सो यू मे आस्क मिन द कमेंट्स आप मुझसे पूछ लेना किसी भी चीज़ का मीनिंग राइट right? अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट पर आते हैं सो so, एज़ यू कैन सी इन द इमेज दर इज़ अ गर्ल एलेन एंड द बॉय ही इज एलेन सो इनके बीच में जो कन्वर्जेशन है उसके ऊपर ही हमारा पूरा पूरा जो है टेक्स्ट है ठीक है सो एलेन शी सेज वो एनिवर्स एलेन मीन्स हैप्पी बर्थडे एलेन सो जो एलेन है उसका आज जो है बर्थडे है सो so, हेलेन उसको विश करती है दैट हैप्पी बर्थडे सो एलेन एंड हेलेन दोनों में डिफ्रेंस है सो मेक श्योर आपको अगर गलत साउंड आए तो सो एलेन मीन्स द बॉय ही सेज मेसी बोकू हेलेन सो द बॉय ही सेज थैंक यू वेरी मच हेलेन हेलेन शी सेज ओशू दई से जेहदी नो फो टो एनिवर्स एयर ओशु दई सो हेलेन शी सेज टूडे इट इज़ जहदी जहदी हमारा एक डे ऑफ द वीक होता है जिसका मतलब होता है थर्सडे सो so, जैदी का मतलब होता है थर्सडे ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे सारे डेज ऑफ द वीक डोंट वरी अभी ये याद रखो कि जैदी का मतलब होता है थर्सडे नू से तो टू तो एनिवर्स है मीन्स वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे टूडे सो हेलेन इज आस्किंग क्वेश्चन ठीक है एलेन द बॉय हिज इज बी ए श्योर मीन्स अफकोर्स ए वेडी मीन्स ऑ एंड ऑन फ्राइडे आई एम गोइंग टू माई कजन्स हाउस शे हमारा एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है एट समवंस प्लेस ठीक है सो द बॉय एलेन ऑन वेंद्रडी मीन्स ऑन फ्राइडे ही इज गोइंग टू हिज कजन्स प्लेस ठीक है फिर हेलन शी सेज दीन्स ओके अलेन नेक्स्ट पेज पर है हमारा एलेन का डायलॉग लाज नि में हो सुजोन देंस मीन्स द पेज नंबर सेवेंटी फाइव अलेन सेज कौ ए तो अनिवर सैर मीन्स वेन इज़ योर बर्थडे को जो है उसका मतलब होता है वेन ठीक है ए का मतलब इज तों का मतलब योर अनिवर सैर का मतलब बर्थडे सो हेल शी सेज से ओ मुआ दौन वी ए मीन्स इट इज इन दंथ ऑफ जनवरी योम वी ए का मतलब होता है जेनवरी डोंट वरी जो हमारे मंथ्स हैं उनको भी हम सीखेंगे फर्दर राइट अलेन ही सेज बू सब तो मीन्स गुड इट इज कमिंग रियली सून इट इज सून ठीक है Helen, she says, ah, वी,

सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज उजुदी से डैश मीन्स टूडे इट इज़ डैश जह दी और मारदी जहदी का मतलब होता है थर्जडे मारदी का मतलब होता है ट्यूजडे ठीक है सो हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हेलन ने कहा था एक सेंटेंस ओजुदी से जेदी सो मीन्स टुडे इट इज़ थर्सडे सो द करेक्ट आंसर इज वन बी जैदी ठीक है बी पार्ट इज से लानीवर्स द डैश इट इज दर्थ डे ऑफ डैश किसका बर्थडे है आलन का या हेलन का ऑब्वियसली आलन का जो है आज बर्थडे है ठीक है देलेन ए लानीवर्स डैश मीन्स द बर्थडे ऑफ हेलन ठीक है अब आप लोगों से पूछा क्या गया बर्थडे पूछा गया मैरिज एनिवर्सरी का टाइम नहीं पूछा गया सो so, बर्थडे हमारा कब है सी से ओ मोआ दो जोन मीन्स जनवरी में सो so, जोन वी पर हम टिक कर देंगे अलेन वा शे से डैश मीन्स अलेन इज गोइंग टू डैश प्लेस किसकी जगह पर जा रहा है वो किसके घर जा रहा है अपने कजन्स पर सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग बी कुज़न मीन्स कजन्स कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्रिस्टियो न्यूमहोद मीन्स क्वेश्चन नंबर टू दीथ वे उन्स राइट सॉरी से ट्रू और फॉल्स यहाँ पर दीद का मतलब हमें राइट right दे रखा है बट जो मेन मीनिंग होता है दीद का वो होता है से ठीक है सो लेट्स यू सी फर्स्ट सेंटेंस हेलेन ए आलेन सो सो आमी मीन्स हेलेन एंड आलेन जो है वो फ्रेंड्स है हेलेन एंड एलेन आर फ्रेंड्स सो so बेसिकली हमें कोई कंटेक्स्ट में दिया नहीं हुआ है कि वो फ्रेंड्स हैं या फिर नहीं है बट वो बात कर रहे हैं सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही ऐसे बात करते हैं बर्थडेज़ के बारे में सो येस आई अकॉर्डिंग टू मी इट्स गॉन्ट द बी ट्रू अपना अपना सबका perspective होता है ठीक है कुछ लोग टेक्स्ट पर जाएंगे कुछ लोग जनरल sense पर जाएंगे क्योंकि ऐसे बात तो सिर्फ फ्रेंड्स ही करते हैं एंड कुछ लोग जो होंगे वो कहेंगे कि टेक्स्ट में ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो हम तो इसको फॉल्स करेंगे सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनस परस्पेक्टिव आपका जो परस्पेक्टिव है आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो ठीक है सो so, द मा से शे दी मीन्स टुमोरो इट इज़ थर्सडे सो आज ही था ना थर्सडे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स तो कल क्या होगा फ्राइडे होगा ठीक है सो इट्स गॉन बी फॉल्स लानीवर्स एर दिन एजोम द बर्थडे ऑफ हेल्न इज इन जनवरी सो इट्स ट्रू ओ दी से वोंद्र दी मीन्स टूडे इट इज फ्राइडे वोंद्र दी का मतलब होता है फ्राइडे सो इट्स फॉल्स क्योंकि आज क्या था ये डी था मीन्स थर्सडे था सो इट्स फॉल्स सो इट्स वन अबी इसका तो आप लोग अपने परस्पेक्टिव से लिखेंगे इसका होगा फॉल्स इसका ट्रू एंड इसका फॉल्स क्वेश्चन नंबर थ्री लेबून रिपोर्स मीन्स टिक द करेक्ट आंसर्स जो भी आंसर्स ठीक है और मैं उन पर टिक करना है फर्स्ट इज लनिवर्स एर धलेन ए ओ मुआ द बर्थडे ऑफ हेलेन इज इन द मंथ ऑफ यौनवी मीन्स जनवरी ऊत मतलब अगस्त दे मींस मीन्स दिसंबर फेबर मीन्स फेबरवरी सो द करेक्ट आंसर इज यौनवी सो इस पर हम टिक लगा देते हैं लनिवर्सैर दे पाहों देन ए ओ मुआ दीन्स द मैरिज एनिवर्सरी यहाँ पर एनिवर्सैर का मतलब यहाँ पर बर्थडे नहीं है मैरिज एनिवर्सरी है ठीक है सो मैरिज एनिवर्सरी ऑफ हेलन पेरेंट्स इज़ इन दंथ ऑफ यू मीन्स जून जूले मीन्स जुलाई नवंबर मीन्स नवंबर एंड फेबरी मीन्स फेबररी सो द करेक्ट आंसर इट इज़ ग बी फेबरी क्योंकि हमने कंटेक्सट में ऊपर जो है पढ़ा था इसको लानिवर्सैर एल एन एल सो दर्थ डे ऑफ एलेन इज ऑन जो आज था उसका बर्थडे येदी को सो द करेक्ट आंसर इज को बी जैदी ओके okay? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर ओके okay, सो so, नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास लेला मीन्स दी डेज ऑफ द वीक ठीक है सो so, अब हम देखने वाले हमारे डेज ऑफ द वीक उनके नाम ठीक है अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए थे, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को वो फिर से कराऊँगी सो लेट्स स्टार्ट आपको मेरे पीछे रिपीट करना है ठीक है लेंदी मार दी मैक्रदी रिपीट आफ्टी हम्म येस वेरी गुड लेंदी मार दी मैक्रदी जदी वोंद्रदी सामदी दिमोश सो so, हमारा जो लेंनी होता है उसका मतलब होता है मंडे मारदी मीन्स ट्यूजडे मैक्रदी मीन्स वेंसडे जदी मीन्स थर्सडे वोंद्रदी मीन्स फ्राइडे सामदी मीन्स सैटरडे दिमोश मीन्स हमारा संडे विच इज़ द वीकेंड राइट सो डेज ऑफ द वीक से नीचे हमारे पास एक हमारे पास पोम दे रखी है फ्रेंच के अंदर विच इज़ रिलेटेड टू द वीक ठीक है सो इट्स रिटर्न ला सेम आप लोग एक बार इसको रीड करो क्योंकि मेरे पास इसकी एक्चुअल जो है फुटेज नहीं है जिसमें सॉन्ग सिंग हो रहा हो एंड ऑल दैट सो आई कॉन्ट शो यू दैट फुटेज राइट नाओ एंड दैट्स वाई आप लोग एक बार इसको रीड कर लो एंड इसमें जो मीनिंग्स हैं एक बार वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एंड यू कैन आस्किन द कमेंट्स डाउन बिलो ओके नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी सेवन पर हमारे पास हमें कैलेंडर दे रखा है इट्स इज ल कालिंद्रिय ल कैलेंड्री का मतलब होता है दी कैलेंडर सो so, आप लोगों को पता है कि कैलेंडर के अंदर हमारा डे लिखा होता है फिर डेट लिखी होती है हमें उसमें ये पता चलता है कि कौन से डेट पर कौन से वाला जो डे है वो फॉल करेगा ठीक है सो so, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमें जनवरी का जो है कैलेंडर दे रखा है योमवीए ठीक है सो so, लेंदी मार दी मैखी ये दी वृद्ध साम सो ये सब हमारे पास जो है डेज ऑफ द वीक लिस्टेड है ओके एंड यहाँ पर हमारे पास डेट है ठीक है सो आपको इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि वन एट फिफ्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन जनवरी को हमारा क्या फॉल करेगा मंडे टू नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री एंड थर्टी जनवरी को हमारा क्या होगा ट्यूसडे सो so ये इससे कैलेंडर से हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पता चलती हैं राइट सो ये कुछ कैलेंडर में इतना कुछ खास है ही नहीं टू लर्न अब नीचे की तरफ आए तो हेयर वी हैवेज ईयर

ऑब्वियसली हमारा वेंसडे होगा ठीक है क्योंकि वेंसडे के बाद तो थर्सडे आता है ना और थर्सडे से पहले वेंसडे राइट सो हमारा मैक्रदी से पहले होगा एंड फोर जनवरी से ए आर वाला दिन कौन सा होगा मतलब गेस्ट वाला दिन इट वुड बी थ्री जनवरी अगला है हमारा दमा दमा का मतलब होता है टुमोरो ठीक है सो so, टमोरो चार जनवरी के बाद टुमोरो का क्या होगा फाइव जनवरी सो so, इट्स ल, सैंक सैंकों एंड झेदी के बाद क्या आता है मौंद्रदी सो कल के दिन क्या होगा वोंद्रदी होगा ठीक है ल वीकेंड ल वीकेंड दी वीकेंड सो so, वीकेंड हमारा नॉर्मली होता है सानी और दिमोश को इले दूसमुआ दो दूस यूनान अब ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इले आ दूसमुआज दूस युनाने मीन्स देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन एन ईयर इले मीन्स देर आर सेवन डेज इन अ वीक ओके नीचे की तरफ हमारे पास एक फॉर्मेल ए फॉर्मेल को वो जस्तियों दे रखी है मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कन्वर्जेशन सो फॉर्मल पर हम आते हैं इट्स एज़ केल यूर सोम नू अब आप लोगों को आ, किसी से पूछना हो कि आज क्या डे है और फॉर्मली पूछना हो सो so, आप लोग उससे पूछोगे बंदे से जिससे भी आप पूछ रहे हो केल यूर सोम नू ठीक है और अगर आपको रिप्लाई देना है तो आप लोग कहोगे न्यू सोम और जो भी आज का डे है वो जैसे कि सपोज लेंदी सो तो आप लोग मंडे कहना है आप लोगों को, को, को लेंदी कहोगे ट्यूसडे कहना है मार्ती कहोगे वट ऑफ फॉर्मल पर हम आए इन फॉर्मल पर से कैल झू रूदवी मीन्स इट इज़ विच डे टू डे सो इन फॉर्मली आप कैल यू सोम नू भी कह सकते हो बट जेनवनली आप से सेल झू ओ वजूदी कहते हो ठीक है बट इट डजन मीन से कैल यू रोजूदी फॉर्मल नहीं है बट फॉर्मली आप लोग एक बार ऑलमोस्ट uh, आप ये वाला जो है टर्म ये वाला यूज़ करते हो तो so, आप लोग कहोगे सेलेंदी आप लोग ये नहीं कहोगे नू सॉम लेंदी अगर आप लोगों को से कोई पूछता है से क्या शुरू शुरू हुई सिम्पली सेलेंदी ठीक है जो भी डे है नॉट स्पेसिफिकली लेंदी ओनली जो भी डे है वो आते हैं अब हमारे लिए मुआद लाने पर जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है फिर हम हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सो so, नीचे से हमारे दे ये सो यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी जोनवी फेबरीए मार एवरिल मई जून यहाँ तक हम देखते हैं जोन वी, वी का मतलब होता है जनवरी फेवर का मतलब होता है फेबररी मार का मतलब होता है मार्च अप्रैल का मतलब होता है अप्रैल मई का मतलब होता है मई जून का मतलब होता है जून ठीक है सो so, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं आई गेस एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पोम भी दे रखी है जिसको आप लोग रीड कर लो एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी हो उनको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना एंड आप लोग मुझसे फिर कमेंट्स में पूछ लेना जैसे कि मिग्रातर मीन्स द माइग्रेटिंग बर्ड्स ठीक है सो so ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को नहीं पता होंगे मी इन द कमेंट्स नेक्स्ट है झूले ऊट सेप्ट अक्टूब्र नवम्बर एंड लास्ट इज देसॉम्ब्र सो देसॉम्ब्र का मतलब दिसंबर नवम्बर का मतलब नवंबर अक्टूबर का मतलब अक्टूबर सितंबर का मतलब सितंबर ऊट का मतलब अगस्त एंड जुलाई का मतलब जुलाई सो मैंने आपको नीचे से ऊपर बताया और बेसिकली यहाँ से ऐसे शुरू होना था अब यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है वो कैबलरी पर आते हैं फिर हमारी एक्सरसाइज पर आते हैं अब आते हैं वो लव वो के ऊपर दैट इज़ द वो कैबलरी वो कैबलरी में बेसिकली क्या है जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड सब कुछ है बट स्टिल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ फोकस हमारा किस चीज़ पर होगा वो होगा इसके ऊपर ठीक है इसकी प्रोनासीिएशन के ऊपर क्योंकि अगर आपको प्रोनसीशन नहीं पता होगी ऑलरेडी मीनिंग तो दे नहीं रखे मुझे क्या जरूरत थी करवाने की जो आपको नोटिस करना दैट इज द प्रोनसीिएशन मैं सिर्फ इनकी प्रोनन्सिएशन बोलूंगी क्योंकि मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए हैं अवों अप्रे ओजूडी Au mois de... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bientôt. Bon week-end. Bon voyage. Bonne vacances. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. बों झुर्ने द्र उं, फेर नुआल को दिमोश लिंदी मारदी मैक्रिधि ये दि वोंध्र दी साम दी दिमोश ठीक है आई होप सबकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई हो मीनिंग्स ऑलरेडी उसमें नोटेड है अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं क्वेश्चन नंबर वन है कॉम्पलीटे अवेक ले यू ए ले मुआ मीन्स यू हैव टू कम्प्लीट विद द डेज और द मंथ्स ठीक है सो so, यहाँ पर क्वेश्चन इज नो सोम ओमुआ द मीन्स वी आर ऑन द मंथ ऑफ डैश अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखोगे एक महीने बाद दो महीने बाद एक हफ्ते बाद एंड एक हफ्ते बाद क्या पता मंथ ही चेंज हो जाए सो so, आपको यहाँ पर जो जो भी मंथ अभी चल रहा है वो आपको फिल करना है इन द फ्रेंच ठीक है नुआल ए ओम मीन्स क्रिसमस एज इन सबको पता है कि सेंटा क्रोज कौन से मंथ में आते हैं दिसंबर में सो so इट्स इसका आंसर होगा हमारा दिसंबर मैं आपको इंग्लिश में आंसर्स बता रही हूँ फ्रेंच में आप खुद लिखोगे दिसम्र यहाँ पर ठीक है ओजूदी से डैश आज क्या है आप ये तो नहीं कह सकते कि आज जनवरी है आज फेब्रवरी है नहीं आप कह सकते हो कि आज मंडे है ट्यूजडे है सो so आज जो भी डे है उसको आप फ्रेंच में फिल कर दो डैश ए डैश से वीकेंड मीन्स इस और इस दिन दो दिन किस दिन वीकेंड होता है सैटरडे एंड संडे सो ये लोग आप ये चीज़ आप फिल कर दो मो अनिवर ए ओ मीन्स माई बर्थडे इज इन सो oh, so, आपको यहाँ पर बताना है कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है ठीक है जुलाई में आता है लाइक like मेरा जुलाई में आता है बर्थडे सो so, मैं अपना यहाँ पर जूल लिखूंगी आप अपना देख लेना ठीक है जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता है द मास से डैश हम हम ये तो कह नहीं सकते कि टुमोरो इट इज़ फेबररी टमोरो इट इज़ जुलाई टुमोरो इट इज़ नवंबर नहीं हम क्या कह सकते हैं टुमोरो इट इज़ मंडे टुमोरो इट इज़ ट्यूजडे सो कल जो भी डे है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर दो नो फेतो नुफैतो द दुलों ओ मीन्स वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन ऑब्वियसली जनवरी में वन जनवरी को सेलिब्रेट होता है तो यहाँ पर जनवरी आएगा आंसर ईयर से मीन्स येस्टर कौन सा डे था वो आप लोग यहाँ पर फिल क्वेश्चन नंबर टू है हमारा थ्रू वे ए ऑन टू रे ले यू द लिमेंट सो यू हैव टू फाइंड एंड सर्कल द डेज ऑफ द वीक अब आप लोगों को पता है ऑल द डेज ऑफ द वीक लेंदी मारदी मैक्री जेदी वी सामदी दिमोज एक तो देखो हमारा यही है डी आई एम ए एन सी एच आई दि एक हमारा यहाँ पर है एम ई आर सी आर इ डी आई मैक्रदी एक यहाँ है जे ई यू डी आई एंड और एल यू एन डी आई एंड एस ए एम ई डी आई और ढूंढने तो वॉन्द्र दी यहाँ पर है एव वी ई एन डी आर ई डी आई एंड आई हैव नो हेल्प जस्ट ऑन द स्पॉट आई एम फाइंडिंग देम राइट सो ये आप लोग फाइंड करना एंड यू हैव टू सर्कल देम क्वेश्चन नंबर थ्री है कंप्लीट द टेबल मींस यू हैव टू कंप्लीट द टेबल सो so, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ईयर आर ओजूद एंड दमा ठीक है सो मीन्स येस्टरडे टुडे एंड दमा सो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है सो so, सपोज आपको ईयर दे रखा है मीन्स येस्टडे का टाइम दे रखा है so, सो आज क्या होगा कल लेंदी कल 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 लेंदी था तो आज हमारा क्या होगा मंडे था तो आज हमारा क्या होगा ट्यूसडे होगा सो so, यहाँ पर आएगा मारदी ठीक है ओजूर्दी में आएगा मार्दी नेक्स्ट मारदी से अगले दिन मीन्स दमा टुमोरो क्या आएगा मैक्रिदी राइट नाउ आपको ओजूर्दी मीन्स टुडे में दे रखा है जेदी जेदी मीन्स थर्सडे सो so, कल क्या होगा ऑब्वियसली मैक्रदी ठीक है दमा मीन्स टुमोरो यदि के बाद क्या आएगा वोंन्द्रदी सो so, यहाँ पर मैक्रदी ई आर में मीन्स येस्टडे में एंड यहाँ पर मैक्रदी नाउ टुडे का आपको दे रखा है सामदी सामदी से ईआर मीन्स येस्टडे उससे पहले वाले दिन क्या होगा फ्राइडे सो so, यहाँ पर आप लोग फ्राइडे फिल कर दोगे नेक्स्ट चाँदी के बाद क्या होगा अगले वाला दिन दैट वुड भी संडे सो यहाँ पर आप दि मोन्च फिल कर दोगे क्वेश्चन नंबर फोर है रिपोर्ट दे ओ क्रिस्टियो मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इलिया आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सिर्फ एक वर्ड में नहीं पूरा लिखना है जैसे कि यहाँ पर पूछा गया इलिया यू दो आर हाउ मेनी डेज इन अ वीक सो आपको सिर्फ ये नहीं लिखता है है इलिया सेट यू दो इलेक्कोमुआ मीन्स ट्वेल्व ठीक है अब आपको डेट लिखनी है सपोज मैं कहूँ मेरी मेरा बर्थडे आता है ट्वेंटी नाइन जुलाई सो मैं कहूँगी मो आनीवर्सर ए ल नव यू ठीक है डेट भी आपको डेट भी लिखनी है और मंथ भी को ए लानीवर सैर दोथरा बी अब वैसे ही लानीवर सैर द मो अमी ए ल वैसे ही अपने फ्रेंड का जो बर्थ डेट है वो लिखनी है आगे की जो क्वेश्चन आई होप यू कैन सॉल्व इन बिकॉज बहुत ज्यादा इजी है वो एंड वो कैबलरी से रिलेटेड हैं जो आपने चैप्टर में से सीखी है एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो वी आर गोन मीड इन द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन टेक केयर बाय